हेलो बड़ी, तो कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? अगर लॉकडाउन में फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान, क्योंकि अभी 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 तो नहीं है, कल से ही एक न्यूज़ आया है जो कि ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हैं, फूड डिलीवर हो रहा है, उसको बैन किया गया है, जैसे कि जोमेटो हो गया और स्विगी हो गया। तो अभी तक तो इतना ही पता चला है जो कि हम लोग का बैन किया गया है बोल के। तो चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो मैं आप लोगों को ब्राउज़र पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो बैन इन तेलंगाना अंटिल फर्दर नोटिस, मतलब उन लोग को नोटिस दिया गया, बैन टोटली किया गया। देखिए, जो हम लोग को कोविड कोरोना जो फैल रहा है जिस तरह से, तो अब जैसे कि गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप उठाया है और सबको बोला गया है कि घर में रहो, इधर से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इधर उधर जाने से तो सबको प्रॉब्लम होगा, वो सबको पता है। तो उसी के कारण हम लोग को पहले से भी बोला गया था कि वो कहीं नहीं जाना है, घर में रहना है। तो सब तो घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सब घर में रह रहे हैं तो खाना खाएंगे कहाँ से, कैसे खाएंगे, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत से लोग ऑनलाइन से ऑर्डर कर देते थे, आ जाता था, खा लेते थे। तो ये बात हो गया एक। लेकिन यहाँ पे उसके लिए और एक प्रॉब्लम आ गया है। देखिए, यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ बैड फूड डिलीवर सर्विस इन द स्टेट टिल फर्दर नोटिस आफ्टर ए फूड डिलीवर राइडर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19 ऑन संडे, मतलब कल की बात है, जो कि एक जो डिलीवरी ऐसे नहीं मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे, जैसे कि स्विगी और जोमेटो के था बोल के, दोनों में हाईलाइटेड हैं, लेकिन उसमें इसमें बताया गया था कि एक डिलीवरी बॉय ही था जो कि फूड डिलीवर कर रहा था, उसको COVID-19 से पॉजिटिव पाया गया है। तो इसलिए जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द स्टेट वाइड लॉकडाउन टू May 7, जैसे कि ऑल इंडिया बेसिस से हम लोग को May 3 तक लॉकडाउन बोला गया है, लेकिन वो लोग खुद से May 7 तक की मतलब जो डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि हम लोग का जो ओडिशा में अभी तक शायद 65 लगभग हैं पॉजिटिव केसेस, उसमें से कुछ क्योर भी हो रहे हैं अभी तक। तो डेथ का शायद नंबर एक, मतलब एक का डेथ हुआ है मेरे जितना नॉलेज है। तो यहाँ पे देखिए, तेलंगाना में 858 केसेस हैं। तो ये जाहिर सी बात है, देखिए ये जो ऑर्डर जो कर रहे हैं, तो वो लोग तो कहाँ पे बन रहा है वहीं से लेके आएंगे ना, तो खुद से तो नहीं बना रहे हैं ये लोग, तो वहाँ से लेके आएंगे। अगर मान लीजिए वहाँ पे एक किसी का भी संक्रमित में है कोरोना से, तो वो लोग वहाँ से कोरोना वायरस लेके आ रहे हैं आपके दरवाजे तक। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधान आप लोग बरतिए, जैसे कि मतलब उसके संस्पर्श में मत आइए, और जैसे कि बोला जा रहा है कि तुम लोग जो भी आप लोग घर में रहिए, और थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि फूड जो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं उसे बचिए। क्या पता किस किसके मतलब किसके थ्रू से कोरोना आपके घर आए या फिर मेरा घर भी आए, तो इसलिए थोड़ा रहिए। और यहाँ बोला गया कि जो 20 अप्रैल आज से मतलब अगले नोटिस तक वहाँ के बैन किया गया है। तो ऑल इंडिया बेसिस में तो ऐसे यहाँ पे डिक्लेयर नोटिस भी नहीं दिख रहा है, फिर भी वो लोग तेलंगाना स्टेट के लिए बैन किया गया है। ठीक है, वो लोग बैन किए हैं, लेकिन ये जो हम लोग का कोरोना है वो ऑल इंडिया बेसिस है, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड बेसिस है, मतलब हम लोग का इंडिया में खाली नहीं, बहुत सारे देशों में ऐसे हो रहा है प्रॉब्लम और मर भी रहे हैं लोग। तो अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो हम लोग क्यों खतरा उठाएं? जैसे कि हम लोग देखेंगे तो गवर्नमेंट तो स्टेप उठा लिया बहुत बड़ा जो कि लॉकडाउन करके, लेकिन इसमें देखिए अपना जान को पुलिस हो गया, जो डॉक्टर हो गया, वो लोग खतरे में डाल के हम लोग को हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग को भी तो एक फ़र्ज है ना कि वो लोग को कॉपरेट करना। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिए और बी सेफ, घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए, और कीप सैनिटाइजिंग, और खुद सेफ रहिए औरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू।